हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, द अदब रिदम पर। तो दोस्तों, भागदौड़ वाली लाइफ स्टाइल में ज़्यादातर लोग अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाहर जाना हो या घर से काम करना हो, हर व्यक्ति किसी न किसी दबाव से गुजर रहा है। काम की चिंता में हमारा पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। ख़ास तौर से सुबह के कुछ घंटों में हम क्या करते हैं और अपना समय कैसे बिताते हैं, इन सब का असर हमारे पूरे दिन के रूटीन पर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे मम्मी पापा जी चार धाम की यात्रा पर गई है, तो घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है। बहुत मुश्किल होता है घर को संभालना, क्योंकि उनकी आदत हमें लग चुकी है, तो नहीं हो पा रहा मुझसे मैनेज अच्छे से। क्योंकि कई ऐसा होता है ना कि जो तरीके से वो काम करते हैं उसी तरीके से मुझे करना होता है काम को, तो कई सारी अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता एक सिंसियरली वे में। तो मम्मी पापा कई सारे काम तो चुटकी बजाते ही यूँ ही कर देते थे, पता ही नहीं चलता था हमें। अब पूरा घर का काम, रिलेशंस, मार्केटिंग वगैरह सारे काम को संभालना करना रियली में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम शुरू से संग में रहे हैं तो उनकी आदत हमें पड़ चुकी है, तो मुश्किल से मैनेज हो पा रहा है। अब बच्चों को स्कूल तैयार करना, आप सोच रहे होंगे कि बच्चे इस वक्त गर्मियों में स्कूल कैसे जा रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही है, लेकिन हमारे बच्चों के स्कूल अभी खुले हुए हैं 3-3 घंटे एज ए ट्यूशन तो जा रही है। तो हमें अभी आउटिंग पे भी नहीं गए, कहीं घूमने भी नहीं गए, तो इसलिए हम बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल ताकि उनका भी थोड़ा टाइम पास अच्छे से हो जाए, वो भी अपने दोस्तों से मिल ले। बच्चे के स्कूल के जाने के बाद मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ। हमारी छत आधी खुली हुई है, आधी पे घर बना हुआ है, तो रोज़ उसकी सफाई करनी होती है। तो उसकी सफाई का हवा भी चल रही है तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसकी सफाई करना, लेकिन कर रही है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा रहता है कि हम संग में रहते हैं। अगर हम शुरू से ही अकेले रहे तो उस हिसाब से मैनेज हो जाता है, लेकिन संग में रहने के बाद फिर अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। रियली लिटरली मैं बिल्कुल दिल से कह रही हूँ कि शुरुआत के 1-2 दिन तो फिर भी ठीक लगा कि चलो चलो मैं कर लूँगी मैनेज ली, उसके बाद तो हालत ख़राब हो गई। पूरा दिन भर लगी रहती हूँ तब भी मेरे से मैनेज नहीं हो रहा। घर के काम, बाहर के काम, मार्केट का भी काम आता है, रिलेशंस के भी संभालना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मेरे साथ। मम्मी जब यात्रा पर गए थे तो मुझे जिम्मेदारी दे के गए थे कि सुबह सुबह चिड़िया का दाना डालना है, रोज़ तुम्हें दूध चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे जाना है, और रोज़ घर की पूजा, शाम की पूजा तुम्हें करनी है, गाय की रोटी देनी है। तो मैं याद करते हुए सारे काम करती हूँ, चूँकि ये पहले काम सारे मम्मी के थे तो मम्मी ही इस कामों को कर। Thank you.
मंदिर जा रही हूँ और मैं मेरे बच्चों को भी मंदिर लेके जा रही हूँ ताकि वो भी हिंदी रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करना सीखे। क्योंकि मैंने कहीं पर एक टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये बताया था कि हम लोग अपने धर्म से इसलिए पीछे हो रहे हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने साथ मंदिर ले जाने में शर्म करते हैं, उनको तिलक नहीं लगाते, उनके साथ नहीं जाना उन्हें पसंद भी नहीं आ रहा धीरे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही है और अगर बच्चे एक दो घंटे के लिए अपने साथ है घर पे तो उनको मंदिर ले जाया जाए तो वो भी सीखेंगे कैसे करते हैं पूजा वगैरह। तो मैं मेरे बच्चों के साथ ले जाती हूँ, उसके हाथ से भी जल वगैरह चढ़वाती हूँ वहाँ पे मंदिर पे। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो उन्हें धर्म के प्रति लगाव उत्पन्न होगा उनके मन में और इसी से ही सही थोड़ा थोड़ा एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आगे जाके बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति एक अलग से ही उनके प्रति सम्मान और अपनापन लगाव पैदा हो बच्चों में। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर है। सारे यहाँ पर सभी तरीके के वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। सारे मंदिर में जितने भी देवी देवता है वो भी उनकी भी मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। तो मम्मी जी यहीं आते पूजा करने तो मैं भी यहीं आती हूँ पूजा करने। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप भी अपने बच्चों को अपने धर्म के स्थलों पर ज़रूर से ज़रूर ले जाएं और उनको बताएं कि धार्मिक स्थलों का क्या महत्व है। ऐसा कहते हैं कि है ना कहने वाले तो कि जब भगवान सब जगह है तो हम मंदिर में क्यों जाए, भाई भगवान हमारे सब जगह है तो मंदिर में जाने से क्या अलग ही पूजा मिलती है। तो लेकिन उसका जवाब ये आया है कि ऑक्सीजन सब जगह है, हवा सब जगह है, लेकिन हमें पेड़ के नीचे आकर या पंखे के नीचे आकर ये अच्छी हवा क्यों मिलती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।